हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कोकोनट को घर पर किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, वो भी दोस्तों बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी। दोस्तों, जो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, ये जो मैंने ग्रो किया है इसको 1.5 मंथ हो चुका है। 1.5 मंथ के अंदर आप देख पा रहे हो कितना अच्छे से ये ग्रो हुआ है और ये तकरीबन 1 फीट हाइट तक ये जो हमारा नारियल है वो ग्रो हो चुका है। और अभी दोस्तों ये नीचे ग्राउंड में लगाने के लायक हो चुका है। अभी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हम गमले के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो अच्छे से ये ग्रोथ करेगा और जल्दी से जल्दी ये फ्रूटिंग पर भी आ जाएगा। दोस्तों, जो नारियल का जो प्लांट होता है वो इंडिया के अंदर जो साउथ साइड है, साउथ साइड में पाया जाता है। ज़्यादातर ये समुद्री इलाकों के पास में देखने को हमें मिल जाता है। जैसे कि हम इस तरफ केरला की तरफ जाएंगे, महाराष्ट्र, केरला, चेन्नई, इस साइड में ये हमें बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो साउथ साइड का क्लाइमेट है वो एक तो गर्म होता है और साथ ही साथ इसके अंदर जो नमी भी रहती है। हमारे नॉर्थ साइड में जो क्लाइमेट होता है उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, जब गर्मी होती है तब बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और जब सर्दी होती है तो सर्दी में भी ये जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों ये साउथ साइड में बहुत अच्छे से ग्रो हो पाता है, क्योंकि इसके लिए जो क्लाइमेट है वो गर्म क्लाइमेट और साथ में जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर नमी की मात्रा भी इसको चाहिए। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर नारियल को ग्रो करने के बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन दोस्तों ये जो तरीका है ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला तरीका है। और इस तरह के तरीके को आप भारत के मंदिरों में भी काफ़ी जगह पर आपने देखा होगा कि इस तरह का जो छोटा कलश होता है, इस कलश के अंदर नारियल को रख दिया जाता है और जो कलश है वो पानी भर दिया जाता है इसके अंदर, और ये धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम भी इसी तरीके से आपको ग्रो करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, कौन सा नारियल इसके लिए जो ग्रो करने के लिए सही होता है। दोस्तों, इसको जो नारियल ग्रो करने के लिए हमें यूज़ करना है उसके अंदर पानी होना चाहिए। इस तरह की एक नारियल की जो गुट्टी आती है उसके अंदर पानी होना चाहिए, आप हिलाकर देख सकते हैं, तो उस तरह का नारियल हमें चाहिए होगा। दूसरा बात दोस्तों इसकी आता है मौसम, किस मौसम के अंदर जो नारियल है उसको ग्रो किया जा सकता है। तो दोस्तों, नारियल को जो ग्रो करने का जो सीज़न है वो सबसे अच्छा सीज़न होता है मानसून का सीज़न। दोस्तों, जब भी मानसून आ जाते हैं उस टाइम इसको भारत के किसी भी इलाके में ग्रो किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप जून से लेकर अगस्त सितंबर तक इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, नारियल को हमने चेक कर लेना है कि इसके अंदर पानी है या नहीं है। नारियल के अंदर पानी होना चाहिए, हिलाकर देख लें। उसके बाद दोस्तों हम इस तरह का किसी भी बर्तन, कोई भी तरह का बर्तन हो सकता है, ये मेरे पास तांबे का कलश है, और आप कोई स्टील का भी बर्तन ले सकते हैं, उसके अंदर पानी भर दीजिए। उसके बाद आप नारियल को इस तरह से रख दें, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर रख दें, और जो यहाँ आप देख सकते हो नीचे साइड में, इसको इस तरह से पानी के अंदर डिप करके रख दें। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो नारियल होता है इसके ऊपर यहाँ पर हमने पानी का छिड़काव करना है एक बार। उसके बाद दोस्तों ये अपने आप नीचे से यहाँ से पानी खींचता रहता है और ये पूरा गीला रहता है। दोस्तों, ये 10 से 15 दिन के अंदर इसकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इसके अंदर रूटिंग आती है, रूट बाहर निकलती है, फिर इसके बाद ये अपने आप जो इसका पौधा है वो निकलने लग जाता है। दोस्तों, इसके अंदर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा बर्तन है, बर्तन के अंदर पानी है, जो पानी का लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो पानी है वो इतना होना चाहिए कि जो हमारा नारियल है इसके अंदर डिप रहे, और इसको कम से कम हफ्ते के अंदर 2 बार पानी को पूरा का पूरा कंप्लीट चेंज करना है। इससे दोस्तों जो हमारा नारियल है बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगा और जो रिजल्ट है हमारे पास बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं इस नारियल को ग्रो करके पानी की जो इसको भर के चला गया था, उसके बाद 1 मंथ के बाद वापस आया हूँ। उसके बाद दोस्तों जब मैं गया था तो तब इसमें रूट्स आई थी थोड़ी सी, और इसका जो प्लांट है यहाँ से 1 इंच तक प्लांट बाहर निकला था। उसके बाद मैं 1 महीना बाहर चला गया था, जब मैं वापस आया तो ये कम से कम 1 फीट का हो चुका था। दोस्तों, इस तरीके को यूज़ करके आप भी घर पर बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से नारियल को ग्रो कर सकते हो, और आप भी अपने घर पर एक नारियल का पौधा तैयार कर सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर।
दोस्तों, पहले भी मैंने मेरे चैनल के ऊपर नारियल को ग्रो करने की एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो उस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे दोस्तों आपके पास हमारी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।